दोस्तों बॉयकॉट पतंजलि के ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, और वहीं तरफ दूसरी तरफ पतंजलि के सपोर्टर आई सपोर्ट पतंजलि दोस्तों ट्रेंड करवा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कांग्रेस रांडू मांडू गांडूली ब्रांडू और जो अन्य पार्टी है लेफ्ट की, वो कह रही है कि रामदेव बाबा की पतंजलि ने किसानों को चूस चूस कर गन्ना गरीब और भुखमरा कर दिया है, अब किसान भीख मांगने को आ गया है, बहुत बर्बाद हो चुका है। वही दूसरी तरफ बीजेपी लोगों का कहना है दोस्तों कि भड़वी को उम्र 17 साल से तो किसानों की तो ऐसी मारती रही है दोस्तों, किसानों को बर्बाद कर दिया है। तो इस बिल से किसानों को बहुत फायदा है दोस्तों, इस बार डायरेक्ट रामदेव किसानों से उनकी फसल खरीद पाएगा, वो भी अच्छे दामों पे। और जो बिचौलिया होता था पहले, रामदेव बिचौले से खरीदते थे कि ना अब डायरेक्ट किसान अच्छा फसल देते 10 करोड़ रुपए मुनाफा। मुनाफा तो होगा भाई, जितना भी हो जाए, लेकिन पहले तो ज्यादा ही होगा। लेकिन इसी वजह से जो कांग्रेस पार्टी है और बाकी जो गानू है नाली कीड़े भोसड़ बिल्ले, वो बहुत हरामी है दोस्तों। उनकी गान चल चुकी है भाई, गान में फायर रॉकेट बम बारूद फट चुका है, इसीलिए उसको विरोध कर रहे हैं। मैं गाऊंगा बड़ों में निकल जाऊंगा, निकल। तुम जैसे नीच लिज्जत निर्लज कपटी जाहिल बवार बड़ों में देश के लिए कलंक हो, बाहर निकालो इसे बड़ों को। यहाँ दोस्तों तो इनको बाइकआउट करो, मैं इन्हीं लोगों को बाइकआउट करता हूँ। पतंजलि को सपोर्ट करते भाई, मैं उसी का मंजन यूज करता हूँ और मैं उसी का यूज करता हूँ, क्योंकि भाई इन बाहरी कंपनियों को तो बाइकआउट कर दो भाई। पतंजलि देसी आयुर्वेदिक के वही यूज करो भाई, मैं भी वही यूज करता हूँ भाई। तो यार इन लोगों को बाइकआउट करो इन बड़ों को। दोस्तों आई सपोर्ट पतंजलि, आई सपोर्ट फार्म बिल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।